Assalamualaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy. उम्मीद करता हूँ कि students आप सब खैरियत से होंगे. Students, आज के lecture Autodesk में Autodesk Revit के अंदर हम palette properties और different चीज़ें हैं उनके मुतालिक पढ़ेंगे. पहले हम palette properties के हवाले से discuss करते हैं कि palette properties मैंने आपको बताया थी कि इस जगह पर जो है ना ये वाला portion आपका palette properties में शामिल होता है. आप जब भी किसी किस्म के यहाँ पर रिबन में कोई आइटम चूज़ करते हैं, जैसे वॉल आप एलिमेंट जो है वो उसको चूज़ करते हैं, ठीक है. वॉल को चूज़ करते ही आपके सामने ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे वॉल एलिमेंट चूज़ किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेक्टर टाइप टाइप सिलेक्टर था. इसमें हमें बताया जा रहा है बेसिक वॉल आ रही है, ठीक हो गया. तो जैसे ही आप इसमें जैसे डोर को चूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड, लेकिन ये देखेंगे नो डोर फैमिली इज लोडेड इन द प्रोजेक्ट. अभी लोड यहाँ पे हमारे पास डोर्स नहीं है, ठीक है. विंडोज़ अभी तक हमने लोड ही नहीं किए, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से यहाँ पर इनकी फैमिलीज लानी है. अभी हम सिर्फ वॉल पर जा रहे हैं और यहाँ पर वॉल, यहाँ पर सेंटर लाइन, ठीक है. इसीलिए अभी हमने सिर्फ एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था, हमने कोई उनकी जो प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जैसे डोर और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हम लेके नहीं आए, ठीक है. अभी पहले पैलेट प्रॉपर्टीज़ में वॉल्स को डिस्कस कर रहे हैं. वॉल हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में, हम यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं. अभी बेसिक जो है ना वॉल जो वन आ रही है, एडिट टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर एक न्यू वॉल्स ले सकते हैं. फ्लोर प्लान के लिहाज से अगर लेवल सेट कर रहे हैं तो भी लिख सकते हैं. एडिट टाइप में जाएंगे तो आप अपने जो है टाइप प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर अगर आपके पास बेसिक वॉल वन है तो उसको कस्टमाइज करके, यहाँ पे वॉल वन है ना तो आप इसका डुप्लीकेट लेके रीनेम करके फिर उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं. पहले आप इसका एक डुप्लीकेट वॉल टू ले लें, ठीक है. अब उस वॉल टू के लिए आप रीनेम करें और फिर उसके बाद इसको वॉल टू से चेंज करके इसको एक नया नाम असाइन कर दें, जैसे आपकी वॉल होती है 9 इंच और आप इसको कर दें ओके. तो आपके अब 9 इंच के लिहाज से ये रीनेम हो गया. स्ट्रक्चर में चले जाएं, एडिट करें, वहाँ पे जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर आपका कैटेगरी के लिहाज से 8 इंच का है, तो इसको साइज़ अगर आप इसका साइज़ चेंज नहीं करेंगे तो वहाँ लिखने पे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. और सिंपल हाइट जो है वो 20 फीट दी हुई है. 20 फीट तो नहीं होगी, हम अपने फ्लोर के लिहाज से 11 फीट, 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट यानी हाइट ले सकते हैं. 11 फीट हाइट, 9 इंच की थिकनेस के वॉल, आपकी टोटल थिकनेस ठीक हो गया. और इस तरह से आपने यहाँ पे ओके कर दिया. उसके बाद आप यहाँ पे कोर स्केल स्केल पैटर्न दे सकते हैं अगर आप उस पर लगाना चाह रहे हैं. एक्सटीरियर फंक्शन आपके पास, ठीक है, दो ही होंगे बल्कि ज़्यादा इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर फाउंडेशन रिटेनिंग सोफिट, मतलब जिस काम के लिए आप कर रहे हैं हम एक्सटीरियर ही रखते हैं, बैरूनी दीवारें हैं. उसके बाद यहाँ पर पैटर्न होता है, यहाँ से आप अपनी वॉल का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद फिर आपके पास नीचे एंट्री मॉडल मैन्युफैक्चरर्स और अपनी डिटेल जो है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, कॉस्ट भी बता सकते हैं. उसके बाद आपने करना है अप्लाई और ओके कर देंगे. अब आप देखेंगे कि बेसिक वॉल में वॉल वन के साथ ही आपकी वॉल 9 इंच की वॉल जो है वो भी शो हो रही है, सही हो गया. इस तरह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. आपके पास एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो यही होती हैं, ठीक है. टाइप प्रॉपर्टीज़ जैसे आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर आप जो है ना यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे आपके पास है एडिट टाइप. एडिट टाइप में मैंने आपको बताया था ये देखिए टाइप प्रॉपर्टीज़, ठीक हो गया. उसके बाद इंस्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो ये नीचे आपके सामने शो हो रही हैं. इनका वैसे इतना इस्तेमाल नहीं है, ठीक है. अच्छा आगे नेक्स्ट देखते हैं आपके पास ड्राइंग एरिया क्या होता है. यही आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे आप कंसर्न करते हैं लेवल वन सेट कर लेते हैं, ऑफसेट अगर लेना चाह रहे हैं तो वो तो बाद में है ना, न्यू वॉल बनाएंगे तो उसके लिए न्यू वॉल के लिए, ठीक है. एक वॉल बना रहे हैं उसके साथ साथ आप चेंजेस कर सकते हैं ना, जैसे आपने वॉल पे क्लिक किया और यहाँ पर आप पहले इसको सेट कर लें, इसकी हाइट को यहाँ पे ही सेट कर लें तो वो कस्टमाइज होती है यहाँ पे. अब आप यहाँ पे लेके जा रहे हैं बेस पे, आप लेवल 0 है, 0 फिट पे है, तो यहाँ पे आप देखें एक वॉल लेके जाएंगे. अभी वॉल लगाने का तरीका नहीं आपको बताया मैंने और ना हम ये अभी सीख रहे हैं. अभी हम मेन्यूज़ इसकी फंक्शन समझ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ का पता चल गया आपको. इसको बोलते हैं पैलेट प्रॉपर्टीज़, ये सारी की सारी, इतनी पैलेट प्रॉपर्टीज़ का पता चल गया. ये ड्राइंग एरिया होता है, ठीक है. ड्राइंग एरिया जितना भी हिस्सा वाइट ब्लैंक जहाँ पे आप काम करते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया, जिसमें
अब अगर आप 2D 3D के हवाले से बात करें तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर ही आती हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए ये फ्लोर प्लान है। फ्लोर प्लान के अलावा और भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो आपने मतलब रिसेंटली वर्क किया हुआ होता है वो सारा कुछ इसमें शो हो रहा होता है। मोस्ट रिसेंटली यूज टाइप, अभी तक हमने सिर्फ फ्लोर ही प्लान ही यूज़ किया और कोई टाइप नहीं यूज़ की, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके बारे में मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद इन्फो सेंटर के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ, और व्यू कंट्रोल बार ये जो नीचे होती है इसके बारे में भी है कि यहाँ से आप स्केल सेट कर सकते हैं कि 1/8 इंच 1 फुट के बराबर, यानी आपका एक सूत्र जो है वो 1 फुट के बराबर है, इसका ये स्केल सेट हुआ हुआ है, ठीक है, 1 फिट के इक्वल है। उसके बाद यहाँ से आप डिटेल लेवल, ठीक है, कोर्स मीडियम फाइन, और यहाँ पे आप इसको मतलब 3D में लेके जाएंगे तो जैसे ऑटो कैड में फ्रेम जो वायर फ्रेम होता है, हिडन लाइंस, शेडेड, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स, अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती जाएंगी और रियलिस्टिक। उसके बाद नेक्स्ट मज़ीद इसके अंदर ये अफेक्ट्स होंगे, अभी हम इसमें कोई उस तरह काम नहीं ना कर, अभी तो कोई इफेक्ट नहीं हम डाल सकते, जैसे देखें टेम्परेरी हाइड कर दिया किसी चीज़ को, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी, यहाँ तक आपको बताना था कि अगर आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, ताकि अभी हम अगर बेसिक में चूक जाएंगे तो फिर आगे काम नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, मेन्यूज, रिबन्स, ठीक है, आगे उनके पैनल्स क्या क्या हैं, उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन्फो सेंटर में क्या क्या कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पैलेट प्रॉपर्टीज़ है, इसके बारे में आपको इलम होना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको पैलेट प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पता चल गया होगा। मज़ीद मॉडिफिकेशन जब हम करेंगे, अभी वाल के हवाले से है, लेकिन जैसे ही हम कोई स्ट्रक्चर एलिमेंट बनाएंगे तो उसके साथ साथ फिर हम पैलेट प्रॉपर्टीज़ में जाकर उससे रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो करते रहेंगे। यहाँ पे आप स्केल देख सकते हैं, यहाँ पे स्केल भी शो हो रहा है, ठीक है, और डिस्प्ले नॉर्मल व्यूज आ रहा है, डिटेल कोर्स में आ रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल्ड फ्लोर लेवल की यहाँ पे एडिटिंग है। और जैसे ही हम कोई कंपोनेंट चूज करेंगे तो उसके हवाले से जो डिटेल होगी वह यहाँ पर आ जाएगी और कनेक्टेड होगी, ये दीवारें एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं, अप टू लेवल 1 अगर मैं लिख दूंगा तो मैं लेवल 1 में काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लिख दूंगा लेवल 2 तो फिर वो लेवल 2 में काम करेगा। इसके हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहे। तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।